ओके है या हार्मफुल है, ठीक है, हाँ ठीक है इसीलिए फिल्ट्रेशन यूज किया जाता है ना। अगर यस ओके रहता है तो वो HTTP रिक्वेस्ट एप्लीकेशन के इनसाइड दूसरे राउट पे मूव करता है, अगर हार्मफुल रहता है तो उसको हम लोग मैसेज दिखा देते हैं, योर एक्सेस डिनाइड या नॉट एक्सेस, ठीक यस है। ठीक तो है इसी पे अभी हम लोग करते हैं, तो क्या करते हैं, देखो जी सर। ये हम तो देखे हैं VS कोड में, डायरेक्ट VS कोड से भी यूज कर सकते हैं ये CMD। कर सकते हैं, वहां पे होता है न्यू टर्मिनल नाम का होता हाँ है। टर्मिनल नाम से। हाँ हाँ, होता है, ठीक है। अब चलो, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ असलम भाई, जो बैकएंड बैकग्राउंड का जो साउंड वाउंड आ रहा है, मतलब थोड़ा देख लो उसका। हाँ सर थोड़ा सा ऊपर काम हो रहा है, मैं दुकान पे हूँ क्योंकि घर पे ट्राई किया था नहीं हुआ था सही। अच्छा ठीक है, तो फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मिडिल वेयर, हाँ ये आप व्हाट इज नोट डाउन कर लो, ठीक है। ओके हाँ, अब क्या है, टाइप्स ऑफ मिडिल वेयर, ठीक है, टाइप्स ऑफ मिडिल वेयर, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मिडिल वेयर, नोट करो, ग्लोबल, ग्लोबल मिडिल वेयर, ग्रुप्ड मिडिल वेयर और राउटेड मिडिल वेयर, ठीक है। ग्लोबल ग्रुप हाँ, ग्लोबल, ग्रुप और राउटेड। राउटर हाँ, ग्लोबल ठीक मिडिल वेयर, ग्रुप्ड मिडिल वेयर और राउटेड मिडिल वेयर, ठीक है। अभी हम लोग ठीक ग्लोबल मिडिल वेयर पढ़ते हैं, ठीक है। है सर एक क्वेश्चन और। हाँ, जैसे ये हम लोग लारावेल जो पढ़ रहे हैं, लारावेल 10 है कि कौन सा है? लारावेल का लेटेस्ट वर्जन 10 है। 10 है क्योंकि 8 के बाद, 8 से पहले पहले में तो कुछ अदर उसका है सिंटेक्स, 8 के बाद वाला एट सिंटेक्स। एट पढ़ना ही नहीं है, 8 से पहले पढ़ना ही नहीं है, 9 या 10 ठीक पढ़ना है, ठीक है। नहीं दिखाया था इसी में जो आपने वीडियो हाँ दिया था। हाँ हाँ तो वो देखो, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्जन पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो मैं वीडियो शेयर करता हूँ वो आपको 8 में भी सपोर्ट करेगा, 9 में भी सपोर्ट करेगा, 10 में भी सपोर्ट करेगा, हाँ ठीक एट है। के बाद ही वाला सब सपोर्ट कुछ, करेगा, 8 से पहले हाँ, वाला नहीं करेगा। सब कुछ वर्जन A to Z कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, कुछ कुछ अपग्रेडेशन होता है, ठीक है। हाँ तो क्या लारावेल 10 में क्या अपग्रेडेशन हुआ है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। ठीक है तो ये मिडिल वेयर, लारावेल 8, 9 और 10 सब में सेम प्रोसेस है। ठीक है अब चलो हम लोग करते हैं मिडिल वेयर को। हाँ, ये स्टेप लिख लो भाई, अपना कॉपी कलम लेके बैठो और स्टेप लिखो, सर ठीक है। बताओ। सबसे पहले मिडिल वेयर को क्रिएट कैसे करते हैं, मान लो, मान लो, ठीक है, आपका एज, ठीक है, ठीक है, हाउ टू क्रिएट मिडिल वेयर। हाँ, ये थ्री टाइप, ग्लोबल, ग्रुप्ड और राउटेड मिडिल वेयर लिख लिए, ठीक है। व्हाट इज मिडिल वेयर, मिडिल वेयर इज द मैकेनिज्म दैट इज यूज्ड टू फिल्टर HTTP रिक्वेस्ट इन आवर एप्लीकेशन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मिडिल वेयर, ग्रुप्ड, ग्लोबल, ग्रुप्ड ग्लोबल एंड राउटेड। और राउटिंग एंड नेक्स्ट राउटिंग कॉन्सेप्ट इज राउटिंग हाउ टू क्रिएट मिडिल वेयर, तो ओके वी कैन क्रिएट द मिडिल वेयर बाय द कमांड लाइन, आर्टिशन कमांड, PHP आर्टिशन मेक कॉलन मिडिल वेयर, ठीक है। अब मिडिल वेयर का नाम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कंट्रोलर का नाम लिखे थे ना, PHP आर्टिशन मेक हाँ कंट्रोलर, हाँ कंट्रोलर का नाम कुछ भी, तो ऐसे ही मिक्सचर मिडिल वेयर का कंट्रोल नाम मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं ठीक है आपके नाम से एक मिडिल वेयर बनाता हूँ, नाम बोलो अपना, ए एस एस ए एम एल ए एम, असलम एज, ठीक है। ठीक है मैंने असलम एज नाम से एक अपना मिडिल वेयर बनाया। अब क्या हुआ, मेरा मिडिल वेयर क्रिएट हो गया,
ठीक है, ठीक देखो क्रिएट हो गया। सर, ये अब हर बार जैसे एक क्वेश्चन और सर, जैसे हमने कंट्रोलर में भी यही यूज किया था, मिड पीएचपी आर्टिसन मेक यूजर कंट्रोलर, तो जब भी हम ये करेंगे तो हमेशा दूसरा बनाएंगे क्या, फाइल नया रखें क्या नेम, जैसे मिडिलवेयर का आपने असलम एज रखा, फिर हाँ, दोबारा बनाएंगे तो दोबारा अलग नेम रहेगा। असलम भाई ध्यान दो, ये अपना ये कमांड ध्यान दो, पीएचपी आर्टिसन मेक कंट्रोलर मैंने वहां पे लिखा था, ठीक है। ठीक, हाँ हाँ तो समझ में आ कंट्रोलर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कंट्रोलर कंट्रोलर कहाँ पे क्रिएट हुआ था, ऐप डायरेक्टरी के अंदर, एचटीटीपी के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर आपका यूजर्स कंट्रोलर क्रिएट हुआ, ठीक है। अब आप ये नया कॉन्सेप्ट है मिडिलवेयर, तो कमांड तो सेम ही है, पीएचपी आर्टिशन मेक सेम ही है। अब मिडिलवेयर क्रिएट करना है तो मिडिलवेयर लिखो, ठीक है, और मिडिलवेयर क्लास का नाम है ये असलम एज, असलम एज क्या है, मिडिलवेयर क्लास का नाम है, क्लास नेम, ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ अब ये ध्यान दो भाई, मिडिलवेयर क्रिएट हो गया तो ये कहाँ पे गया, देखो कहाँ पे गया, ऐप के अंदर, एचटीटीपी के अंदर, मिडिलवेयर देख रहे हो, HTTP ऐप एचटीटीपी, ये मिडिल, इसका पाथ बना, हाँ क्या पाथ बना, ये इसका पाथ बना। ठीक है। अब चलो वहां पे पाथ बना तो देखते हैं, ऐप के अंदर, एचटीटीपी के अंदर, मिडिलवेयर के अंदर, असलम एज बना, हाँ सर बना ना। बनाए aslamage.php। हाँ तो ये देखो असलम एज डॉट पी एच पी बना, असलम एज क्या है, ये क्लास ही तो है, क्लास, असलम हाँ एज क्लास क्या है, ही, क्लास ही तो है, हाँ है ना। ठीक है सर। चलो अब चलो हमारा अब क्या, मिडिलवेयर अपना क्रिएट हो गया, अब हमको क्या करना है, एक क्या करना है, एक कंडीशन देना है, क्या अगर असलम का एज लेस देन 18 हो तो, लेस देन 18 हो तो क्या करेगा, इस मिडिलवेयर को एक्सेस नहीं करेगा, इस प्रोजेक्ट को एक्सेस नहीं करेगा, मैं ये कंडीशन देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अगर असलम का एज लेस देन 18 हो तो ये प्रोजेक्ट एक्सेस नहीं करेगा, तो ये कंडीशन लिखो, इफ, इफ ठीक है। अब चलो ये देखो, ये देखो पहले, ये देखो क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन एरो एज लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। रिक्वेस्ट अब पूछो क्यों लिखे सर, ये रिक्वेस्ट ब्राउजर भी इनपुट आता है ना, ठीक है, इसके लिए बहुत हला हो रहा है, एक मिनट नंद किशोर आराम से पानी चलाओ, है साउंड थोड़ा सा है, हाँ उसमें भी मैं ईयरफोन लगा के बैठा हूँ ना इसलिए, ये रिक्वेस्ट है ना, ठीक है, हाँ हाँ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट क्लास, ये रिक्वेस्ट क्लास है ना, देखो ये रिक्वेस्ट और उसका वेरिएबल, उसका ये इंस्टेंस, ये उसका ऑब्जेक्ट, ये रिक्वेस्ट, ये ब्राउजर से इनपुट लेने के लिए, मतलब ब्राउजर से इनपुट लो या फॉर्म से इनपुट लो, समझे, वहां पे ये रिक्वेस्ट यूज होता ही होता है, ये ध्यान में रखो, ठीक है, फॉर्म से इनपुट लो या ब्राउजर से इनपुट लो, ये रिक्वेस्ट यूज होता ही होता है। तो मैंने कंडीशन लगाया क्या, रिक्वेस्ट एज अगर है एंड है, रिक्वेस्ट एज, रिक्वेस्ट एज लेस देन 18 है, ठीक है, यही ना, तो अगर एज लेस देन 18 है तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रीडायरेक्ट, मतलब रीडायरेक्ट होना चाहिए, रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट का स्पेलिंग यार RIDIRK, ऐसे होना होता है क्या,
रीडायरेक्ट, ठीक है, रीडायरेक्ट कहाँ पे जाना चाहिए, एक राउट पे जाना चाहिए, राउट राउट बनाना पड़ेगा असलम भाई, ठीक है। राउट वाल बना, क्या राउट मैंने बनाया, कोई बना लीजिए, कोई नेम रख दीजिए, होम या राउट, कुछ भी नाम यहाँ पे लिखो, ठीक है। एक्सेस NIED, ठीक है, ये मैंने काम किया। अगर ये एज है, एज उधर से आ रहा है, और एज अगर लेस देन 18 है, तो एक्सेस डिनाइड राउट पे जाना चाहिए, ठीक है? है, तो अब क्या अपना काम क्या है भाई, राउट बनाना, ठीक है। तो राउट पे बनता है, राउट फोल्डर में बनता है ना, राउट फोल्डर बनेगा PHP के अंदर, ठीक है। तो अब चलो, अच्छा अच्छा अच्छा, एक देखो मैंने राउट बनाया भी है यहाँ पे नॉट एक्सेस करके, ठीक है, चलो यही लिख देते हैं ना, एक्सेस डिनाइड वाले को हम लोग नॉट एक्सेस लिख देते हैं, या बना भी लो यार आपको समझाने के लिए, ठीक है। राउट डॉट राउट कॉलन, ये ऐसे कॉपी मारो, ठीक है, राउट देख लो कैसे बनता है। अब यार राउटिंग में तो कोई इशू नहीं है ना आपको, नहीं नहीं राउट तो बन जा रहा है, ठीक है। तो ये राउट एक्सेस डिनाइड वाला राउट लिख दिए यहाँ पे, अब वो मैसेज क्या दिखाया, यू डोंट हैव एक्सेस, या यू एक्सेस डिनाइड, योर एक्सेस DENIED, योर एक्सेस डिनाइड, ठीक है। अब क्या हुआ, असलम एज जो मिडिलवेयर बना, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो इस राउट पे जाना चाहिए, ये राउट पे गया और हम ये राउट भी बना दिया, ठीक है। एक ये सेकंड फर्स्ट स्टेप, तो ये कंडीशन हुआ, सेकंड स्टेप जिस राउट पे रिडायरेक्ट करना है वो रिडायरेक्ट हो गया, वो दूसरा स्टेप हो गया राउट बनाना। और देखो तीसरा स्टेप होता है क्या, मिडिलवेयर को रजिस्टर कर, ठीक है। मिडिलवेयर को रजिस्टर कैसे करोगे, HTTP के अंदर मिडिलवेयर है, ठीक है, HTTP के अंदर मिडिलवेयर है, तो ये kernel.php जो फाइल है ना भाई, याद रखो kernel.php मिडिलवेयर कहाँ पे रजिस्टर होता है, ये भाई इंटरव्यू क्वेश्चन है, मिडिलवेयर कहाँ पे रजिस्टर होता है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन नोट कर लो, मिडिलवेयर कहाँ पे रजिस्टर होता है, इन विच फाइल मिडिलवेयर विल बी रजिस्टर, उसका आंसर है kernel.php, मिडिलवेयर कहाँ पे रजिस्टर होता है, kernel.php, हाँ kernel.php, kernel.php कहाँ पे मिलेगा, पाथ लिख लो उसका, ऐप के अंदर HTTP के अंदर kernel.php है, उसका पाथ लिख लो, ऐप HTTP मिडिलवेयर, यार मिडिलवेयर में थोड़ा ही है, ऐप के अंदर HTTP के अंदर मिडिलवेयर kernel.php है। अच्छा भाई असलम भाई, यहाँ पे दो क्लास है, एक तो आपने जो मिडिलवेयर क्रिएट किया वो किया मिडिलवेयर के अंदर असलम एज, ठीक है, इस असलम एज क्लास को रजिस्टर कहाँ पे करना है, kernel.php के अंदर, ठीक है, जिसका पाथ है app http kernel.php, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है कि मिडिल में ही है ये। हाँ, अब ये देखो यहाँ पे तीन एरे दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट एरे मिडिलवेयर, ये सेकंड एरे, ठीक है, और ये थर्ड एरे, जो तीनों मिडिलवेयर का टाइप है, ये ग्लोबल मिडिलवेयर है भाई, और ये ग्रुप मिडिलवेयर है, ठीक है, ये जो एरे ग्रुप मिडिलवेयर का है, और ये जो एरे है राउटेड मिडिलवेयर का है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। मतलब भाई कुछ भी नहीं है तो यार पूछ लेना, क्योंकि लारावेल इतना बड़ा है ना कि मैं तुमको बार बार एक चीज नहीं बताऊंगा, इसलिए मैं बहुत प्यार से धीरे धीरे ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन, जैसे मिडिलवेयर में जो हमने रिक्वेस्ट बनाया था वो तो समझ में आ रहा, बट वो फंक्शन ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा है कि वो लिखना पड़ेगा पूरा, वो सब कुछ नहीं ना यार, ये सब कुछ क्रिएट जैसे ही तू क्या किया असलम, यही तो फ्रेमवर्क का काम है ना,
फ्रेमवर्क का काम क्या है, सब कुछ तुमको बना बनाया दे देता है, बस अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करो। तो मैंने मैंने इस फाइल में जस्ट इतना ही लिखा था, बाकी ये सब कुछ इसने जैसे ही आपने पीएचपी आर्टिसन मेक मिडिलवेयर लिखा ना, ठीक है, जैसे ही मिडिलवेयर क्रिएट किया, ये सब कुछ इसमें कोड ऑटोमेटिक आ गया। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट कंडीशन लिखने की जरूरत है, ठीक है? ठीक ठीक हाँ, ओके। देन वी हैव टू रजिस्टर द मिडिलवेयर इन कर्नल डॉट पी एच पी फाइल, ठीक है? ओके, सो इन ग्लोबल मिडिलवेयर एरे, ये है अपना ग्लोबल मिडिलवेयर एरे, ठीक है? ग्लोबल मिडिलवेयर एरे, इन ग्लोबल मिडिलवेयर एरे वी विल रजिस्टर आवर मिडिलवेयर क्लास। सो आवर मिडिलवेयर क्लास नेम इज असलम एज, ठीक है? सो मिडिलवेयर, ठीक है, पाथ है, दिस इज द पाथ एप एच टी टी पी मिडिलवेयर एंड माय मिडिलवेयर क्लास नेम इज ए एस ए एल एल ए एम असलम ए एस ए एल ए एम ए जी ई एच, दिस इज द माय मिडिलवेयर क्लास नेम, ठीक है? हियर मिडिलवेयर रजिस्ट्रेशन इज डन, ठीक है, ठीक है, मिडिलवेयर रजिस्ट्रेशन इज डन, बस यही करना है। हाँ, ये इसका थर्ड स्टेप है। अब क्या करना है, अब चलो ब्राउजर पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन द ब्राउजर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट माय सर्वर, पीएचपी आर्टिशन सर्व, ठीक। देन पीएचपी आर्टिशन सर्व, ठीक है, दिस इज माय प्रोजेक्ट पीएचपी आर्टिशन सर्व, ओके। सपोज असलम एज इज लेस देन 18, देन मिडिलवेयर इज रीडायरेक्टेड टू एक्सेस डिनाइड राउट, ओके। एंड सपोज इज लेस इज ग्रेटर देन 18, देन असलम यूजर इंटर्स इनटू आवर एप्लीकेशन, ओके, एक्सेस, मतलब असलम यूजर कैन एक्सेस आवर एप्लीकेशन, ठीक है? ठीक है, ठीक है। देन अब हम लोग असलम यूजर्स को एप्लीकेशन के अंदर एक्सेस करते हैं, ठीक है? अब चलो जो भी अपना ये काम है ना, क्या एज लेस देन 10, एज लेस देन, डाउट कौन सा है? राउट, राउट अपना यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में राउट कौन कौन सा है, अब उस राउट में हम लोग इंटर होते हैं, ठीक है? अपने पास राउट है, अबाउट है, अबाउट है, अबाउट राउट, ठीक। देन एज इज लेस देन 10, यू डोंट हैव एक्सेस, ठीक है? ये कहाँ पे जा रहा है? नॉट एक्सेस पे जा रहा है। अब असलम भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो मिडिलवेयर है, ठीक है? एक मिडिलवेयर नॉट एक्सेस पे जा रहा है ना, यू डोंट हैव एक्सेस, ठीक है? इसको एक बार कमेंट कर दो, ठीक है? ठीक है, हाँ। अब फिर से चलो, फोर जीरो फोर नॉट, अरे यार कोई राउट बाय डिफॉल्ट ले ले रहा है। अबाउट एज इज 16,
ठीक है, नॉट एक्सेस पे ही जा रहा है, नॉट एक्सेस पे जा रहा। अच्छा यार, हाँ कुछ अलग क्यों जा चीज रहा के है? अंदर जा नहीं रहा नहीं कुछ अलग नहीं जा रहा है यार, सही है ना? देखो एक ये करना वाला भी तो पड़ राउट है अपना, इसको हटा दो अभी, अभी के लिए इसको हटा दो। सही जा रहा है, हम लोग कुछ अलग नहीं किए हैं, ठीक है। और हम लोग HTTP के अंदर मिडिलवेयर के अंदर जो चेक एज है, ठीक है, ये नॉट एक्सेस था, इस कंडीशन को हटा दो कुछ देर के लिए, ठीक है। ये मतलब क्या हुआ है ना, लेस देन एज वाला ना दो मिडिलवेयर है, ठीक है, तो ये पहले वाला मिडिलवेयर ले रहा है, अच्छा ठीक है, जो अभी ठीक हम लोगों ने बनाया वो वाला मिडिलवेयर नहीं ले रहा है, काम हो रहा है, ठीक है, बट ये पहले वाला मिडिलवेयर ले रहा है। ठीक है। इसलिए उस कोड को हम लोगों ने कमेंट मारना है। हाँ देखो आ गया ना, नोट एक्सिस्ट डिनाइड, जो हम लोगों ने मैसेज लिखा था आ गया, योर एक्सेस डिनाइड आ गया। आ गया। अब अगर हमारा एज 18 हो, मतलब 40 हो, तो क्या होता है? देखो अबाउट अस पेज पे चला गया, हसन भाई ये समझ में आया? हाँ, आ रहा है। तो फिर 40 पे क्यों अबाउट पे चला गया, यानी कि हमारा तो ग्रेटर देन यार 18। तुम्हें लेस देन 18 पे कंडीशन लगाए थे हसन भाई, अच्छा कहाँ ध्यान है हाँ, आपका? ठीक। लेस देन 18, हाँ, लेस देन 18 पे भी कहाँ जाएगा? अबाउट अस पेज में जाएगा, अबाउट क्योंकि पे कंडीशन है क्योंकि मेरा लेस। लेस देन 18 का। 17 पे एक्सेस डिनाइड आएगा, योर हाँ एक्सेस ठीक डिनाइड, ठीक है ना? तो ठीक है आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया मिडिलवेयर, ठीक ठीक है। है। जैसे सर, जो हमारे मिडिलवेयर में जैसे रजिस्टर किए हैं हम, तो ऐसे कंट्रोलर में भी रजिस्टर करते थे, इंपोर्ट करते थे शायद पाथ। हाँ करते हैं ना यार, जस्ट पाथ हम लोग को डालना होता है यहाँ पे। अब आपको पाथ के बारे में भी सोचना नहीं है असलम भाई, क्योंकि जो लारावेल है ना, देखो ये सारे कोड मैंने थोड़े ही लिखे यार, मैंने तो जस्ट ये एक लाइन लिखा, यही हाँ असलम एज वाला ही लिखा ना, बाकी ये सब कुछ तो इसने साले ने बना के ही दिया है ना। हाँ बस पाथ का क्या सोचना है इस, ये कॉपी मैंने क्या किया, ये कॉपी किया, इसको कॉपी किया, ठीक है, और मैंने अपना वाला जो क्लास असलम एज था, जो मिडिलवेयर का ये था नाम क्लास असलम एज, मैंने वो यहाँ पे चिपका दिया, बस बात खत्म। तो ठीक है ठीक आपको पाथ का भी नहीं सोचना है असलम भाई, है। तो ये मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट हुआ, समझ में आया? हाँ सर, आया। अब हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, वो आपका टास्क है। देखो क्या करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं। मैं इस कोर्स में तो मैं आपको दो बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट तो कराऊंगा ही, ठीक है, एक मैं दूंगा और एक कराऊंगा, लेकिन उसके पीछे हम लोग छोटा काम भी करेंगे, ठीक है। हाँ, छोटे तो छोटे प्रोजेक्ट पे और अब जल्दी देखो, क्लियर हो। हाँ, अब चलो असलम भाई करना क्या है अपने को, कि एक फॉर्म बना दो, ठीक है, कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ लिया जाए, कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ लिया सर देख लो, अगर जरूरत है उस कॉन्सेप्ट जाए को, तो इतने पे हो सकता है तो कोई बात नहीं। नहीं, चलो चलो पढ़ लेते हैं ये को, और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ ये मिडिलवेयर का अपना कॉन्सेप्ट है। अब सेम चीज असलम भाई, अपने को कुछ नहीं सोचना है, ये एक तो ग्लोबल मिडिलवेयर हुआ, ठीक है, ठीक है, ये ग्लोबल मिडिलवेयर हुआ, ये हुआ ग्रुप मिडिलवेयर। अगर ग्रुप मिडिलवेयर आपने बनाया,
उसी मिडिलवेयर को असलम एज वाले को ना, असलम एज वाले को अगर यहाँ पे रजिस्टर कर देते, क्या यहाँ पे रजिस्टर कर देते असलम एज वाले को, तो ये ग्रुप मिडिलवेयर हो जाता, बात खत्म। यहाँ से अच्छा कमेंट कर दो, अगर ग्रुप वाले अरेंज करे तो ये ग्रुप मिडिलवेयर होगा, समझे? समझ गए हाँ हैं ना? हाँ हाँ एक ग्रुप में वो मिडिल वेयर लास्ट। अपना एक ही है, असलम एज। जिस एरे में रखोगे वो अपना मिडिल वेयर होगा। मैंने यहाँ अगर ग्लोबल एरे में रखा, राउटेड में रखा तो राउटेड हो मैंने जाएगा, मिडिल में रखेंगे एक तो। ग्रुप में रखा, ग्रुप राउटेड में रखो, ठीक है। अब देखो ये राउटेड में रखने का एक तरीका भी है, क्या? एक वेरिएबल का नाम यहाँ पे बनाना पड़ता है। एरे एरे की वैल्यू पेयर में होता है ना, एरे की अरे वैल्यू पेयर एसोसिएट, में होता है, एसोसिएटिव हाँ एरे। हाँ एसोसिएटिव है। पीएचपी में आपने एसोसिएटिव एरे पढ़ा है, हाँ ठीक सर है। की है। तो चेक, हाँ, की एंड वैल्यू में, तो राउटेड मिडिलवेयर ये याद रखना, राउटेड मिडिलवेयर की और वैल्यू के पेयर में होता है। तो यहाँ पे चेक एज, कुछ भी आप नाम लिखो यार, ठीक है, चेक एज लिख दिए, और अपना क्या किए, एक यहाँ से पूरा पाथ उठा लिए, यहाँ पे चिपका दिए, अपना क्लास का नाम क्या था, असलम एज था, हो गया, सर बात खत्म। ये राउटेड मिडिलवेयर, एक बार ठीक है, स्क्रीन हो फिर गया से हट, ना? हाँ स्क्रीन हट गया है, स्क्रीन नहीं आ रहा है। ओके, अभी आ रहा है क्या? स्क्रीन पहले से ही आके स्टेबल हुआ है, कुछ मूव नहीं हुआ। कहीं एक बार दूसरा कर्नल डॉट पीएचपी में है सर क्या? कर्नल हाँ, डॉट पीएचपी में कर्नल है, डॉट पीएचपी में, दूसरे पे जाना, दूसरे दूसरे पे गए, वेब डॉट पीएचपी में आ गए। नहीं है तब, यानी स्क्रीन हट गया।